हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ युगल विजय भैसारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ टॉपिक नंबर 5 में, जिसका नाम है हैच कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन, इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा। सो ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स, जिसमें कि आपको पता है पहले वीडियो में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बेसिक नॉलेज, इंजीनियरिंग टूल्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये आपको लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की तरफ। सो ये रहा आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, जिसमें कि मुझे हैच कमांड का यूज़ करना है। आप सभी को पता है कि हैच कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी कटेड सेक्शन दिखाने के लिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाले कहीं और यूज़ करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उनके हैचिंग होते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको हैच कमांड यूज़ करना हो तो आपको बॉडी जो है, आपके जो डायग्राम है वो क्लोज होनी चाहिए। अगर आपका डायग्राम थोड़ा सा भी ओपन होता है तो हैच कमांड यूज़ नहीं हो सकता। वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, कुछ भी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे इसके अंदर हैच करना है। ठीक है, इसके अंदर मुझे हैचिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, हैचिंग के लिए कमांड यूज़ करूँगा एच एंटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हैच का टूल बॉक्स ओपन हो जाता है। हैच का यहाँ पर देखो टूल बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, इसमें यहाँ पर पैटर्न में देखिए, पैटर्न में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ढूंढना है लाइन। क्या ढूंढेंगे, लाइन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैचिंग अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कहीं ब्रिक्स का होगा, कहीं पे यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डैश डॉट वगैरह है, यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है लाइन ऑप्शन, तो लाइन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हैच पैटर्न स्केल। हैच पैटर्न स्केल का मतलब क्या होता है, दो हैचिंग के बीच का डिस्टेंस, दो हैचिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है। मान लीजिए 10 रखना है, 15 लिखना है, 12 रखना है। मान लो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया तो क्या होगा, डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 12 mm का। उसके बाद यहाँ पर आपको एंगल सेट करना है 45 डिग्री। कितना सेट करोगे, 45 डिग्री, क्योंकि आप लोगों को पता है हैचिंग कितने डिग्री में होती है, 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 45 डिग्री सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन लिखेगा पिक पॉइंट, तो यहाँ पर पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपको हैचिंग चाहिए वहाँ पर जाके इसको सिर्फ एक क्लिक कर दीजिए, आपकी हैचिंग यहाँ पर तैयार हो जाएगी। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कमांड से बाहर आने के लिए एंटर, बन गई आपकी हैचिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये हैचिंग नहीं चाहिए, आपको इसको डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, इस हैचिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे, आपकी हैचिंग हट गई। सिंपल है, ठीक है। अब मैं एक ओपन बॉडी से हैचिंग करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ इस प्रकार की डायग्राम है, ठीक है, और मुझे इसके अंदर हैचिंग करनी है, तो हैचिंग हो पाएगी क्या, एच एंटर करता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लाइन सेलेक्ट कर लिया, ये सब सेलेक्ट कर लिया। पीक पॉइंट जब मैं ऐड करने जाता हूँ तो ये आपको बोलेगा कि मुझे क्लोज बाउंड्री चाहिए। क्या है, क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो मतलब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लोज बाउंड्री दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको दिखाया है उसने कि ये क्लोज बाउंड्री कहाँ से चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब लाइन से मैं इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ और अब मैं हैच कमांड का यूज़ करूँगा। देखो अब इसको क्लोज बाउंड्री मिल गई, तो अपने आप ये क्या हो गया, हैच कमांड इसने ले लिया। कमांड से बाहर आने के लिए मैंने एंटर दबा दिया। सो इस प्रकार से मेरा हैचिंग कमांड ख़त्म हो चुका है और ड्रॉ टूल बार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मतलब हमने लाइन, पॉली लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन
सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, हैचिंग, सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाइड टूलबार के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।